इतना दिन से बीमार थे तो आप अपना एक गंजी तक नहीं धोए हो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जी ये जो रूम देख रहे हैं ना आप, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला रूम है जहाँ पे हम लोग रात में लाइव आते हैं। आप लोग को पता है कि रात में हम लोग जब भी लेट नाइट आते हैं लाइव तो नीचे नहीं आ पाते हैं क्योंकि बगल वाले रूम में डैडी सोते हैं। और ये जो बेड लगा हुआ है ना, इस पे बिल्ली बैठी हुई, जैसे कि इनका बेड है और आराम से बैठी हुई है। कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं जी। अभी हम लोग वर्कआउट करके आए हैं और मेरे साथ जो दिख रहा होगा ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग जा रहे हैं वर्कआउट करके कुछ खाने के लिए, जंक फूड। वर्कआउट करने के बाद कहा जाता है कि अपना डाइट सबका ख्याल रखिए, तो ऐसा ख्याल हम रखते हैं अपनी डाइट का। बताओ कहाँ जा रहे हैं? भूल गया। तो जी हम जा रहे हैं श्यामा टॉकीज है, जो भी कटिहार की होंगे या कटिहार के पास, पानी टंकी चौक के पास। झालमुड़ी खाएगा या वो खाएगा, कचौड़ी और दाल? हाँ चलो, जहाँ का खुला होगा अभी नहीं, वही थी सुबह में वही। तो हम लोग श्यामा टॉकीज के पास में जा रहे हैं और इतना जबरदस्त लगता है ना जी खाने में, पूछिए मत। और जी यहाँ जो मेरा दोस्त है, यह मेरा काफी करीबी दोस्त है। हाई स्कूल के टाइम से ही हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं। हाई स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज चले गए और कॉलेज के बाद हम लोग अलग अलग जगह अपना जॉब कर रहे हैं। और ये कोविड का टाइम ही है जो हम लोग आज इतना समय साथ बिता पा रहे हैं। तो हम लोग जब भी छुट्टी में आते हैं तो कटिहार का जितना भी जगह होता है खाने के लिए, जहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, तो हम लोग ज़रूर जाते हैं। फिर जी हम पहुँच के अपने इस स्थान पर जो कि ठीक श्यामा टॉकीज के सामने है। यहाँ पर जिया को भी लेकर के आए थे दशहरा के टाइम, और जिया जो खाई थी यहाँ की पूरी सब्जी, बहुत अच्छा लगा था। हमें तो नहीं लगा था उतना खास लगेगा, लेकिन हमें खा के सच में। और जी जब हम खा रहे थे तब ये भाई साहब आए, इन्होंने हमारे कैमरा को देखा तो पूछा कि क्या है ये। तब इनको बताया कि ये कैमरा है और हम YouTube पर वीडियो बनाते हैं। तो उनसे पूछा भी कि आप YouTube देखते हैं, तो कहे कि हाँ देखते हैं लेकिन कभी कभी देखते हैं। और वो पूछ रही थी कि अच्छा तब हम भी आएंगे इस वीडियो में? हम कहे हाँ जी बिल्कुल आ गए, अभी जो आप बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहे कि अच्छा ठीक है तो हम देखेंगे। तो उस भाई साहब को कहना चाहेंगे अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो देखिए जी आप भी आ गए हैं इस वीडियो में। और जी हम आप लोग से भी कहना चाहते हैं जो हमारी अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपनी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दें। फिर जी खाने के बाद हम लोग निकल लिए अपने दोस्त शिव के यहाँ। जी शिव का घर जो है पास में ही है, ये वही शिव है जो एक व्लॉग में आया था और हमारे बचपन की शैतानियों के बारे में आप सभी को बताया था। जब हम शिव के यहाँ पहुँचे तब उसने कहा कि चलो आज हम तुमको कटिहार का एक चौक दिखाते हैं। हम कहे कौन सा ऐसा चौक दिखाएगा जो हम देखे नहीं है। फिर जी शिव लेकर के चला गया हमें छत के ऊपर और कहा कि यहाँ से नज़ारा देखो कटिहार कैसा दिख रहा है। तो जी जब हम ऊपर जा करके देखे ना तो सच में जी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ देख कर। तो आप लोग भी देखिए। फिर जी शिव की यहाँ थोड़ी देर गपशप हुई और उसके बाद थोड़ी देर नहीं है, आपको बहुत देर गप की है। और आपको जब बात करने लगती है फिर कहीं चले जाते हैं तो आपको तो टाइम का पता रहता ही नहीं है, और यदि हम फोन नहीं करते तो आप आते भी नहीं। अच्छा ऐसा है, और क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। डैडी कब से वेट कर रहे थे आपका क्या आप आओगे, तो उनको कोर्ट लेकर के जाएंगे। हाँ। तो जी वही डैडी को कोर्ट छोड़ना था इसीलिए आप आ गए, वरना तो आते ही नहीं। One eternity later. जी अभी बज रहे हैं 3:15 और हम जो हैं सो करके उठ चुके हैं। थोड़ा 1 घंटा का नींद लेते हैं हम दिन में, और जब हम उठ गए हैं पत्नी महारानी सो रही है। तो हम उठ गए, पत्नी महारानी सो कैसे सकती है, तो उसको जल्दी उठाते हैं। जिया जिया, ओए होए आँख खुल गया है, एक्टिंग मत करो। जल्दी उठो, उठो जल्दी, ये तो देखेगी। वही तो होता है, आप सो के उठ जाते हो फिर हम जब सोते हैं तो आपको देखा नहीं जाता। बहुत बढ़िया, जल्दी उठो। हम उठ
चुके हैं, उठ जाते हैं वैसे भी है। अच्छा वैसे भी उठ जाती है। अभी जब यहाँ शूट कर रहे थे तो उस टाइम नींद नहीं खुला था तुम्हारा? खुला था लेकिन ऐसे देख रहे थे। अब उठी गई है तब क्या करना है? अब कपड़ा धोना है और क्या करना है। इतना दिन से बीमार थे तो आप अपना एक गंजी तक नहीं धोए हो, नहीं, सारे जमा कर करके रखे हो, अब चले धोने के लिए। हम तुमको बोले थे ना कि हम धो देंगे सब, तो धो लिए आप तो? एक चड्डी तक नहीं धोए हो आप अपना, अब बोलते हो कपड़ा धो लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जब बोल दिए कि हम धो लेंगे तो आज ही धो लेंगे, थोड़ा टाइम लेके धोएंगे अपने अनुसार। कपड़ा बदबू कर रहा था, चाहे वो 7 दिन में धोए या 10 दिन में धोए, धोएंगे जरूर हम, चले धोने के लिए। यहाँ पर जिया कपड़ा धो रही है और हम जाते हैं अपना कुछ नाश्ता बनाने के लिए। आप और क्या, हमको नहीं आता है नाश्ता बनाने। आपको क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी ना बना देंगे। रुक जाओ 5 मिनट, ये 5 मिनट का काम है, हम जाते हैं बना लेंगे अपने। ये बताए छुटकी वाला क्या, इसका आधा खा गए हो क्या आप? आदत लग रहा है खा गए। देखिए ब्रेड उसी को मोड़ दिए हैं लोटा। वेरी गुड, कोई बात इसी को खा लेंगे। यहाँ पे पतिदेव अपना नौटंकी हमको सुना रहे हैं कि तुमको हमें नाश्ता देना नहीं होता है, ये दे देती है। बिल्कुल जी, हर दिन जब भी आता है समय नाश्ता का तुम कहेंगे नाश्ता दो, तभी पूछेगी कि क्या नाश्ता दे। हम कह रही यार तुम इतना दिन से नाश्ता दे रही है, तुमको पता नहीं कि हमको क्या नाश्ता देना है? पहले तो आप जिम जाते नहीं थे, अब जिम जाते हो आप, तो आपका डाइट प्लान है उसके हिसाब से हमको देना होता है, तो हमको समझ नहीं आता है क्या दें जो आपके लिए हेल्दी होगा, इस वजह से हम पूछते हैं और ये उल्टा हमको डांट लगा देंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करो कि क्या उस तरह का दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे हम सर्च करके देखो ब्राउन ब्रेड निकाले और डेली ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं आजकल। बहुत बढ़िया, यही खाओ आप। फिर जी हम लोग नाश्ता करने के बाद पतिदेव अपने काम पे लग गए और हम इधर अपना काम करने लगे। पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था अपना किचन का सारा सामान, तो उस दिन भी हमारा तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ था, तो इस वजह से सिर्फ हम आपको सामान दिखा करके और सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था, तो सबको भी हम अरेंज कर रहे हैं। अभी इसको हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपको बताया था कि हम ऊपर वाले किचन के लिए सारा सामान मंगा रहे हैं, तो इसलिए सबको फिर से ठीक से अरेंज करके हम रख रहे हैं। फिर जी जैसे ही हमारा सारा सामान अरेंज हो गया तो हम कुछ कपड़े भी धो करके रखे थे तो उसको अब फैलाना था, तो शाम हो चुका था लेकिन फिर भी सोचे कि थोड़ा फैला देंगे ना तो थोड़ा हवा लग जाएगा तो स्मेल नहीं आएगा कपड़े से, तो हम सारा कपड़ा छत पर लेकर के आ गए फैलाने के लिए। और जी जब हम लोग बीमार होते हैं ना तो थोड़ा आराम तो करते हैं लेकिन बाद में इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो सोचते हैं यार बीमार क्यों पड़े। पतिदेव ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की लेकिन उनको अपना भी काम होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा किया उन्होंने। ये जो सारे पौधे लगे हुए हैं इनमें से किसी किसी में फूल आना शुरू हो गया, जैसे इसमें देखिए इसमें आ गया है, पेंट करवा दिया ये तुलसी की पेंट को। अच्छा वो जो टाइल्स बचा हुआ था उसे कटवा के उसका कटिंग कर कर के सेट करवाया। सही है। तो जी आज इस ब्लॉग को जो है अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर यह ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।